कोरोना वायरस को लेकर देश में हुए लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए समाज सेवी भी लगातार गरीबों की सहायता में जुटे हुए हैं। इसी तरह प्रतापगढ़ में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मानधाता विकास खंड के तरोल गांव निवासी ने कदम उठाया है। यहां समाज सेवी नवाब यादव ने अपने ग्राम सभा में करीब 2000 मास्क और डिटॉल साबुन वितरित किए हैं। बातचीत के दौरान समाज सेवी नवाब यादव ने बताया कि मास्क एवं साबुन वितरण करने का उद्देश्य ग्राम सभा की जनता को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाना है। साथ ही कहा उनका ये प्रयास है कि ग्राम सभा में कोई भी गरीब एवं मजदूर भूखा ना सोए, इसके लिए वे पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी बीमारी से अपने ग्राम सभा के लोगों को, गरीब या असहाय लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए उनको सुरक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ। मास्क और डिटॉल साबुन का वितरण कर रहा हूँ। और जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए और क्या कर रहे हैं, भोजन गरीब वर्ग के लोग हैं, खाने पीने के उनके यहाँ राशन पानी की दिक्कत है। मैं उन गरीब जनता से मिलकर उनको सुझाव दे रहा हूँ कि अगर भाई खाने पीने की दिक्कत हो तो हमारे यहाँ आए, हम उनकी सेवा करेंगे। जो मुझसे हो सकेगा अन्न गेहूँ चावल का वितरण कर रहे हैं, गरीबों के लिए सेवा में लगे हैं, उनको खाने पीने की जो हमारा बस चलेगा उनको दिक्कत नहीं होने देंगे।